हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यार बेटा, आपा विरासते खालसा कर रहे सी, ठीक है। ओदी असी चार क्वेश्चन डिस्कस किते सी, आपा फिफ्थ क्वेश्चन करना है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। पांच नहीं बेटा, ऑनलाइन वाले अंदर रह गया सी, इसलिए आपा फिफ्थ क्वेश्चन दोबारा करेंगे, ठीक है? सो बी रेडी। अज असी ये वाला चैप्टर खत्म करना है, तो कल असी जिहड़ी मैं तुहानू ट्यूटोरियल भेजी है किरत दा सतिकार, उन्हें रीड करना है। एक बारी समरी मैं दस देवांगी, ठीक है? उस तो बाद विच क्वेश्चन आंसर्स तुसी ही बोलने ने, राइट? सो लेट्स स्टार्ट फिफ्थ क्वेश्चन। टोल इमारत विच की कुछ शामिल किया गया है? टोल इमारत विच की कुछ शामिल किया गया है? यस प्रबल महाजन। हाँ जी प्रबल। यस मैम। मैम वन मिनट, विरासत ए खालसा दी टोल इमारत विच तीसरी गैलरी की स्थापना की गई है, जिसनू दारा मंडल भी कहा जाता है। सर्व व्यापक परमात्मा दे ते नू ओमकार दे रूप विच 2462 जगदे मोतियां तारियां दी मन नाल रूप मान किया गया है। इत्थे सुनन योग यंत्रणा राही सुख धर्म दियां मूल विशेषतावां बारे सुनाया जा सकता है। ठीक है, गुड। यस रजत अरोड़ा, फिफ्थ क्वेश्चन। रजत आप ही हो बेटा? हाँ जी हाँ जी, तुसे सुनिया भी होएगा वैसे जो प्रबल ने बोलिया। ठीक है, हाँ जी हरमन। इस गैलरी नूं तारा मंडल भी कहा जाता है। इस गैलरी में सर्वव्यापक परमात्मा दे तेज नूं एक ओंकार दे रूप विच 2462 जगदे मोती नूं मत आरियां दी मदद नाल कीता है। इसे सुनन योग यंत्रां राहीं सिख धर्म दीआं मूल विशेषतावां बारे भी सुनिया जा सकदा है। ठीक है अकुल सेम। हाँ जी बोलो। विरासत ए खालसा दी तीसरी गैलरी विच टोल इमारत स्थापित है। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2462 ਜਗਦੇ ਮੋਤੀ ਨੁਮਾ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ, ਰਾਈਟ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਗੈਲਰੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 2462 ਜਗਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਢੋਲ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ? ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ। ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਢੋਲ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨਯੋਗ ਯੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਫਿਫਥ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਰਮਨ ਬੋਲੋ ਬੱਚੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਦਿ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁਰੂ
वेरी गुड। हां जी एनीवन बच्चे तुसी पांच फुल पत्ती इमारत विचों दी कोई पांच गैलरियां बारे लिखना है, सॉरी पांच गुरु साहिबान बारे लिखना है। यस प्रबल बोलो बच्चे, प्रबल महाजन। यस मैम। यस मैम। भवन दी फुल पत्ती इमारत दे अंदर पहला सिख गुरु श्री गुरु नानक देव जी तो लैके पंजवे गुरु अर्जन देव जी तक गुरु प्रदर्शित की गई है। पांच फुलपति इमारत मौजूद चौथी गैलरी च श्री गुरु नानक देव जी दे जीवन बारे दर्शाया गया है। पांच फुलपति गैलरी च पंजवी गैलरी चो श्री गुरु नानक देव जी करतारपुर साहिब विखे खेती करन बारे बानी रचना करन अचरन बाटले ते पाक पतन दी यात्रा दे जिकर तो बिना पाई लेना जी नू गुर गद्दी सौंप बारे जानकारी भी प्राप्त हुंदी है। छेवीं गैलरी च दाखिल होके श्री गुरु अंगद देव जी जी द्वारा गुरुमुखी लई दे सुधार ते प्रचार बानी रचना अते सिखी प्रचार बारे बारे सानू बारे चित्रां दे हवाले नाल ज्ञान च वादा हुंदा है। पंज पत्ती इमारत दे सतवीं गैलरी चौथे सिख श्री गुरु रामदास जी नाल संबंधित है। श्री अमृतसर साहब विखे दरबार साहिब उसरी श्री आदि ग्रंथ दा संकलन दरबार साहिब विखे बाबा बुढा जी द्वारे श्री आदि ग्रंथ साहिब जी दी पहला प्रकाश आदि महत्वपूर्ण वेरवा श्री गुरु अर्जन देव जी नाल संबंधित अठवीं गैलरी है। वरसार्थ खालसा दी नौवीं गैलरी श्री गुरु अर्जन देव जी दी शहीदी बारे बारे शहीदत दी प्रतीक तत्ती तवे नू दर्शाउंदी है। ठीक है गुड बच्चे। हां जी होर कोई? यस अकुल कोली। वेरी गुड प्रबल। अनंतपुर साहिब विखे सोना विरासत दे खालसा दे पंज फुल पत्ती इमारत दा सिखर चौथी गैलरी विच श्री गुरु नानक देव जी दी जीवन उदासियां दे प्रमुख घटनावां दे बारे दस्सिया गया है। इसी छेवीं गैलरी विच श्री गुरु अंगद देव जी द्वारा गुरमुखी दे सुधार ते प्रचार बाणी रचना दे सिख प्रचार बारे दस्सिया गया है। इस दी नौवीं गैलरी विच धारण किया मेरी प्रतीक के लगिया तस्वीर देखिया जा सकिया हैं। ये ग्यारहवीं गैलरी विच गुरु हरगोबिंद साहिब जी वालों जानकारी दिती गई है। पहला दिती गई है गुरु नानक देव जी बारे। तुहाडी बुक विच बहुत लेंथी है, तुसी इतना लेंथी नहीं लिखना। ठीक है वैसे आंसर जिन्ना हरमन ने बोलिया, प्रबल ने बोलिया और अपू ने बोलिया ठीक है। ठीक है पहला तुसी श्री गुरु नानक देव जी बारे दस देना थोड़ा जिहा कि उन्हां दीआं जीवन उदासियां बारे। ठीक है उन्हां दीआं अचल बचाले दी यात्रा बारे या दूसरे गुरु भाई सॉरी भाई लहणा जी या गुरु अंगद देव जी नूं
गुरगद्दी सौंपना, ठीक है। उस तो बाद विच गुरु अंगद देव जी बारे लिख देना कि किद्दा इन्होंने गुरमुखी लिपि विच सुधार किया। जस्ट तुसी थोड़े थोड़े पॉइंट देने ने, पूरी पूरी लाइन ना करियो, ठीक है। होर फिर गुरु अमरदास जी बारे दस देना, मतलब पहले पांच गुरुआं बारे तुसी दसना। अमरदास जी ने की किया सी, मंजी प्रथा की स्थापना की सी, औरत दी तरसयोग हालत नु सुधारिया सी। दो दो पॉइंट ले लियो। फिर आ जाओ श्री गुरु रामदास जी, इन्होंने की किया सी अमृत सरोवर का निर्माण किया सी। फिर पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी, श्री हरमंदिर साहिब जी उसारी, ठीक है। पहले तुसी पांच गुरुआं बारे इहदे विच लिखना है, क्लियर है। पूरा पूरा पैरा चक्कन की कोई लोड़ नहीं, तुहानू पहला भी कहा सीगा, सिर्फ उन्होंने दो तीन पॉइंट लर्न कर लो, क्लियर है। डाउट होए तो पूछ लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीसेंट अर्थात दूज दे चंद या कलगी नुमा इमारत विच किसे एक गैलरी बारे जानकारी दियो। हां जी बेटा, ठीक है अनमोल। हां जी यस हरमन, ठीक है। और क्रीसेंट वाला देना है बच्चे, दूसरी क्रीसेंट दूसरे चंद या कलगी नुमा इमारत विच, ओदे विच तुसी 11वीं गैलरी बारे देखना है। देखो तुहाडी बुक विच 11वीं गैलरी बारे लिखा होया है। कवेश कवेश बोलो, सेम जेड़ा हरमन ने बोलिया। कलगी नुमा ठीक है। गुड बेटा, इनी लेट ना आया करो, ठीक है। टाइमली क्लास विच एंटर होया करो। देखो तुसी 15 मिनट लेट क्लास विच एंटर हो रहे हो। सुरक्षा कर्मचारी, हां जी प्रबल, यस प्रबल सेम आंसर बच्चे। मैम यस, वसाते खालसा दी क्रीसेंट अर्थात दूर दे चंद जां कुलंगमा इमारत च स्थापित 11वीं गैलरी विच श्री गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जी वालों श्री अकाल तख्त साहिब दा निर्माण कल्याणकारी कारज ते लड़ाइयां बारे महत्वपूर्ण वेरवा वेखन सुनन नूं मिलदा है। इसे गैलरी च कुछ जानकारी गुरु हरिराय जी ते गुरु हरिराय कृष्ण जी साहिब नाल भी संबंधित है। ठीक है, गुड राइट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ 11ਵੀਂ ਗੈਲਰੀ, 11ਵੀਂ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮੀਨ ਅਨਮੋਲ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਨੋ कल्याण करना, किसी का कल्याण करना, भलाई। कल्याण मतलब भलाई बेटा, कल्याणकारी कार्य, ठीक है।
ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਤੇ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 11ਵੀਂ ਗੈਲਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਆਂਸਰ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਂਸਰ ਦੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵਿਰਾਸਤੇ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਰੇਜ਼ ਯੂਰ ਹੈਂਡ ਯੈਸ ਅਕੁਲ ਕੋਲੀ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਡ ਹਾਂਜੀ ਨਵੇ ਸੇਮ ਆਂਸਰ ਆਂਸਰ ਬੋਲੋ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਲਰੀ ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਜਾਂ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਲਰੀ ਅੰਦਰ ਕੈਮਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹਥਿਆਰ ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਥੈਲੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਛਤਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਵਨ ਦੀਆਂ ਕੋਮਲ ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੂ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਗੁੱਡ ਰਾਈਟ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪੁਖਤਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੀਨਸ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੁਕੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕੈਮਰਾ ਹਥਿਆਰ ਉੱਥੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਕੋਮਲ ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਕਲਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਸੌਫਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੋਮਲ ਕਲਾਵਾਂ ਮੀਨਸ ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਅਨਮੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਮਲ ਕਲਾਵਾਂ ਮੀਨਸ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੋਮਲ ਕਲਾਵਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਯੈਸ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਲਾਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਲਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਦੇ ਧਰਮ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸੰਜੀਵ ਚਿਤਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਵ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਾਂ ਰਿਆਸਤੀ ਰਾਜ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ
ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਡ। ਯੈਸ ਯਸ਼ਿਕਾ, ਯਸ਼ਿਕਾ ਬੋਲੋ, ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਬੇਟਾ। ਯਸ਼ਿਕਾ ਅਨਮਿਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਯਸ਼ਿਕਾ विरासत ए खालसा विच भविख विच इस दा दूजा पड़ा बनाउण दी तैयारी कीती जा रही है। इस विच बाबा बंदा सिंह बहादुर 12 सिख मिसलां रियासती राज स्वतंत्रता संग्राम लई अंदोलन अते सभ्याचारक तब्दीलियां नूं होर नवीआं गैलरीआं राहीं दर्साए जाण दी तजवीज़ है। राइट, हां जी हरमन बोलो। आनंदपुर साहिब विखे स्थित है, 14 गैलरिया हैं। 14 गैलरिया कली कली लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तुसी लिखना है कि 14 गैलरिया विच पंजाबी सभ्याचार बारे, गुरुआं बारे, इतिहास बारे जानकारी मिलती है। ठीक है, हो गया। उस तो बाद विच होर केड़े केड़े काम कर रही है बंदा सिंह बहादुर। पहला भी गल की थी, बंदा सिंह बहादुर जानते हो, गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल इन्होंने बहुत काम किया, बहुत योगदान दिता, लड़ाइया महत्वपूर्ण लड़ाइया लड़िया इन्होंने। ठीक है, होर सिख मिसलां बारे, सिख मिसलां बारे जानकारी मिलती है। ठीक है, होर रियासती राज, रियासती राज की सी, देखो हमेशा रेडी रहा करो, मैं कभी भी तुहानू कुछ भी पूछ सकती हूँ। ठीक है, किंगडम रियासती राज मतलब जो राज फैलिया होया सी ते स्वतंत्रता संग्राम दे अंदोलन मतलब इंडिपेंडेंस डे किदा सानू आजादी दिवाई गई सी ओ सारिया बारे दसना। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਲੈਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੂ ਕੈਨ ਐਡ ਦਿਸ ਲਾਈਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। अगर किसी नु कोई भी आंसर नहीं समझ लगा तो प्लीज मैनु पूछ लो। ठीक है, उस तो बाद विच आपा शॉर्ट क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेने हैं। ड्रोन का मैम लास्ट आंसर बोला था मैम, वो सही सही है कि कुछ मैम उसमें एडिंग भी करनी है? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही थी आंसर थोड़ा। ओके, थैंक यू। 2 मिनट ले लो, आंसर देख लो, अगर किसी नु कोई आंसर समझ ना लगे तो मैनु हुणे पूछ लो क्लास विच ही। तो नेक्स्ट चलिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन ओके करणवीर पूछ रहा है लास्ट क्वेश्चन करणवीर लास्ट क्वेश्चन विच बच्चे पहला तुसी दसना है कि विरासत ए खालसा विच पहला की दसया होया है केड़ियां-केड़ियां गैलरियां हन 14 गैलरियां पहले गुरु तो लैके 10वें गुरु तक दसया होया है पंजाबी सभ्याचार बारे दसया होया है ठीक है ते उस तो बाद तुसी दसना कि हुन बंदा सिंह बहादुर बारे उन्हां दे लड़ाइयां बारे स्वतंत्रता संग्राम बारे दर्शाए जाण दी तजवीज है ठीक है ओके लिख सकते हो अगर तुसी ऐड करना नेक्स्ट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट आंसर्स तुसी देने ने मेनू सो स्टार्ट टाइपिंग विरासत ए खालसा किथे स्थित है आनंदपुर साहिब आनंदपुर ना लिखो एडे नु पन्ना नहीं पाना आनंदपुर साहिब लिखो क्योंकि मैं थोड़ी कॉपी विच देख रही हां तुसी आनंदपुर पाई जांदे पे हो आनंदपुर पाना है ठीक है नाल साहिब जरूर लगायो क्लियर सेकंड आनंदपुर साहिब विच होर केहड़े केहड़े धार्मिक स्थान हन ठीक है ओके तरन्या वेरी गुड दिया ठीक है राइट पांच छे गुरुद्वारे दिते हुए है तुसी ओदे विचों दी कोई दो दे नाम लिख सकते हो जैसा कोरा साहिब हो गया थड़ा साहिब हो गया केसगढ़ साहिब हो गया सीसगंज हो गया ठीक है सारा नेक्स्ट थर्ड खालसा पंथ दी त्रै शताब्दी कदों मनाई गई 13 अप्रैल अप्रैल दी स्पेलिंग सही देखो पैर विच नहीं पाना आपा रुद्रांश त्रै शताब्दी मीन बाकी कोई नहीं बोलेगा ठीक है दिया वेरी गुड एक नो रंजनी अवनी गुड ये रुद्रांश त्रै शताब्दी की हुंदा बहुत बारी डिस्कस कर लिया पांच छे बारी डिस्कस हो गया त्रै शताब्दी की हुंदा इट मीन्स तुसी क्लास विच सुनदे नहीं हो तुसी क्लास विच अलर्ट ही नहीं रहंदे हो रजत अरोड़ा त्रै शताब्दी की हुंदा है हां जी रजत अरोड़ा त्रै शताब्दी मीन्स कुणाल अत्री त्रै शताब्दी वेरी गुड त्रै शताब्दी मतलब 300 साल क्लियर है बैठो नेक्स्ट विरासत ए खालसा दी रूपरेखा किसने तैयार की अनमोल मोशे सैफ दी कोई नहीं लिखना कला महर कुछ नहीं लिखन दी लोड कला तुसी लिखो मोशे सैफ दी ते उस दे साथिया ने रूपरेखा मीन्स किदा इमारत नु डिजाइन किता गया है ठीक है क्लियर है मोशे सैफ दी वेरी गुड दिया नेक्स्ट फोर्थ फिफ्थ विरासत ए खालसा नु बनाउण विच किन्ना समा लगा 12 साल 7 महीने राइट करणवीर थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन सेठ करण थर्ड है बच्चे विरासत ए खालसा दे पछमी ते पूर्वी हिस्से दीआं मुख इमारतां पहला तुसी पछमी हिस्से दीआं दसनियां जिहदे विच सीगा कि पुस्तकाला बड़ी होई है श्रोता भवन है प्रदर्शनी हॉल है दो तीन इमारतों के नाम आए थे जिस तरह पांच फुल पत्ती इमारत किश्ती इमारत टोल इमारत उस तो बाद विच पूर्वी हिस्से की सी गठड़ी कार स्वागति केंद्र अगवाई केंद्र ठीक है करण फोर्थ है किश्ती इमारत विच स्थापित पहली गैलरी च की कुछ सुनने को मिलता है पहली गैलरी विच पंजाबी सभ्याचार बारे देखने को मिलता ठीक है सानू सभ्याचार दीआं वख-वख झलकियां बारे देखण नूं मिलदा है ठीक है ए तुसी लिखना है क्लियर नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन शॉर्ट विरासत ए खालसा केहड़े केहड़े दिन बंद रहंदा है सोमवार ठीक है दिया सोमवार ते राष्ट्रीय छुट्टियां जिस तरह स्वतंत्रता दिवस गणतंत्रता दिवस गांधी जयंती दिवाली ते
दुशहरा ठीक है। अगर तुसी स्वतंत्रता गणतंत्रता नहीं लिखना तो तुसी सिर्फ राष्ट्रीय छुट्टियां लिख लो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरासते खालसा दे भवन समूह नू किन्ने भागा विच वंडिया गया है? भवन समूह नू तीन भागा विच वंडिया गया है ठीक है। तीन तुसी ऐसा लिखना है, एकदा ना लिखियो ठीक है। तीन समूह विच वंडिया गया है। नेक्स्ट, इको समय किन्ने दर्शक अंदर जा सकते हैं? दस, सिर्फ दो घंटे ले। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इहो सॉरी ढोल इमारत नू होर केड़े नाम नाल जानिया जांदा है? तारा मंडल। जिदे विच किन्ने मोती? 2462 मोती दर्शाया किनू गया है? एकंकार दे सर्वव्यापक मीन सर्वव्यापक ठीक है, परमात्मा ही है। सर्वव्यापक मतलब ओमनी प्रेजेंट, जेड़ा हर थां ते मौजूद रहंदा ते ओ सिर्फ परमात्मा ही हो सकदा है। क्लियर। नेक्स्ट, श्री हरगोबिंद साहिब जी द्वारा धारण कीतियां गईयां तलवारां दे नाम लिखो। मीरी ते मीरी। क्लियर है। दोनों नूं बिहारी पैनी है, सिहारी ना पा लियो। बिहारी आपां उत्थे पाने हां जिथे ई दी लंबी टोन आवे। बहुत बार मैं थोड़ी नोटबुक चेक करदी हां ठीक है, और इहदे विच तुसीं सिहारी दी जगह बिहारी पाई हुंदी ते बिहारी दी जगह सिहारी पाई हुंदी है ठीक है। सेवंथ बी आपां डिस्कस कर चुके हुए हां टोन नूं, है ना, सिक्स बी विच। नेक्स्ट लास्ट, सुरक्षा कर्मचारियों ने केहड़े रंग दे बाने मतलब उन्होंने केहड़े रंग दे कपड़े पाए होंदे हन? नौ, पीले ते नीले ठीक है। नवे गुड, नीले ते पीले। हाँ जी, एक नूर गुड, अवनी राइट, नीले ते पीले। क्लियर है। चैप्टर कंप्लीट बच्चे। चैप्टर नू अपनी फेयर कॉपी ते जरूर लिख लियो, शॉर्ट विद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ठीक है। मैं तुहानू दस देवांगी, डोंट वरी। हाँ जी बानी, भेजे हुए है बेटा, मैं भेजे हुए है राइट। साडा जिहड़ा कल दा चैप्टर है ठीक है, किरत दा सतिकार बारे आपां पढ़ना है। समरी तुहानू कल सुनाई जाएगी किहदे द्वारा? कावे शुग द्वारा ठीक है। सो रेडी रहो। ना 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 ना, राइट ठीक है। सो बेटा, किरत दा सतिकार दी ट्यूटोरियल जा चुकी है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ चुके ने, फिर भी आपां एक बारी क्लास विच डिस्कस कर लवांगे ठीक है। किरत दा सतिकार मतलब किरत की है? किरत इट मीन्स किसे ने देखी किता, किरत 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 चतर लड़का ने। किरत मतलब की है? काम, वेरी गुड। सतिकार मतलब आदर, रिस्पेक्ट करनी ठीक है। मतलब इहदे विच दस्या होया है कि काम दी रिस्पेक्ट जरूरी है, चाहे काम छोटा है ते चाहे काम वड्डा है ठीक है। समरी कल करांगे। क्लियर है बच्चे? किसी नूं कोई डाउट होए तां मैनूं पुछ लो। हां जी प्रबल, कोई डाउट है तुहाडा? प्रबल नो मैम, मैम वो गलती से एंड्रेस हो गया था। ओके नो, डाउट है किसी नूं कोई भी ठीक है तां पुछ लो। कल दे टेस्ट बारे तुहानूं लग रहा है कि ये चीज नहीं आनी चाहीदी सी तो भी पुछ लो ठीक है। इस चैप्टर नूं लैके कोई डाउट है तां भी पुछ लो। टोटल 9 क्वेश्चंस ने।